नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आपको कंट्रोवर्सी भरा इस दुनिया में। गाइस, आज की जो कंट्रोवर्सी है वो है उत्तर प्रदेश के एक सारस पक्षी को लेकर किस तरह का राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और किस तरह का कंट्रोवर्सी में डूबे एक नौजवान। आइए समझते हैं इस कंट्रोवर्सी में। कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का अमेठी में रहने वाला एक युवक जो खेत में एक सारस पक्षी मिलता है उसको, और उस सारस पक्षी को वो घर ले आता है और उसका तबीयत मतलब उसका पैर टूटा हुआ था, उसको पैर को इलाज करता है और उस पैर के इलाज के बीच में सारस पक्षी और आरिफ के बीच में दोस्ती हो जाता है और वो दोस्ती एक दोस्ती का मिसाल बन जाता है जिसको न्यूज वाले के नज़र में आया और वो काफ़ी फेमस हुआ, महीनों से फेमस हो रहा है वो बंदा जिसको आरिफ और सारस की दोस्ती के नाम पे हर कोई जानता है। तो जब मीडिया उसको कवरेज किया तो वो बंदा काफ़ी फेमस हुआ। फेमस होने के बाद देश का जो जाने माने नेता है अखिलेश यादव जी वो मिलने आए, उसके बाद और फेमस हुआ। उसके बाद काफ़ी सारे ढेर सारे यूट्यूबर्स आए उनसे मिलने के लिए, रोज आते थे। फिर छोटे मोटे यूट्यूबर्स आते थे, बड़े बड़े हमारे जो यूट्यूब बाबा है टेस्ट चैम्पियन सपोर्ट, उन्होंने भी गए और उनका एक यूट्यूब चैनल खोला जिसकी वजह से आज उनके चैनल पर आरिफ सागर की दोस्ती करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 90,000 सब्सक्राइबर आ चुके हैं और बंदा थोड़ी बहुत पैसा इनकम करने लगा है। उतने में एंट्री होता है दोस्तों बुरी नज़र वालों का। बुरी नज़र मतलब कौन? जब वो बंदा वायरल होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारस मेरा है, वो चोरी करके ले गया है, उसके पास चला गया है, ऐसा ऐसा कहानियाँ आने लगा। उस बीच में उत्तर प्रदेश का सरकार वन विभाग को भेज दिया और उस सारस पक्षी को ले गया, जिसके चलते कुछ इस तरह का हालत हुआ वहाँ पर। और वन विभाग की टीम आरिफ के घर पहुँच कर उस सारस पक्षी को ले गई और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जो आरिफ भैया है वो खाना नहीं खा रहे, खाना खाना छोड़ दिए क्योंकि एक लगाव हो जाता है, इतना गहराई दोस्ती था। गहराई से सोचे तो इस तरह का बात मुझे नहीं लगता कि अच्छा किया उनके साथ, क्योंकि एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है इस बीच में, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का सरकार है और अपोजिशन नेता मिलने गया था, उसके बाद ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ, वो बंदा कंट्रोवर्सी के खेल में खेला मतलब घेर में आ गया। वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो किसी पक्षी के लेकर अगर किसी का चूल्हा जल रहा है, उसी घर में रोटी बन रहा है तो इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र पक्षी मोर है, उसको भी पालते हैं, बहुत सारे लोग पिंजरे में डालते हैं। और ये जो सारस पक्षी है ये भी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और उसको तो और बंदा जो है वो बांध के नहीं रखा था, ना ही पिंजरे में रखा था, वो खुला रखा था, वो जब चाहता था खेत में जाकर खेलता कूदता रहता, फिर आकर उसको अपने साथ खेत खाना वाना खाता था। तो इस तरह का अगर सरकार ने किया तो कुछ हद तक मुझे भी गलत लग रहा है, क्योंकि उसका रोजी रोटी चल रहा था, काफ़ी सारे लोग आकर उससे मिल रहे थे। तो आपके बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइए। मैं तो बता दिया, मुझे भी गलत फील हो रहा है क्योंकि मैं भी काफ़ी सारा वीडियोज उनका देखा हूँ और जो 90,000 लोग जुड़े हैं वो भी निरंतर उस सारस पक्षी का और उस बंदे का वीडियोज देखते हैं, तो मुझे कुछ हद तक गलत लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, उस पक्षी को ले जाने की वजह से जो आरिफ भैया है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर कल ऐसा ना हो कि वो जो सारस पक्षी है वो भी खाना वाना छोड़ दे तो क्या होगा? अगर कल उस पक्षी को कुछ हो जाता है तो क्या उसका जिम्मेदार सरकार लेगी? अगर वन विभाग ले भी गया तो क्या अगर उसको खुला मैदान में उनके जो फैमिली है सारसों का जंगल में रहेगा या फिर वो जू में रहेगा, इसका क्या गारंटी है? तो अगर वन विभाग की टीम ले भी गए हैं तो उसको खुला उनके टीम के साथ रहना चाहिए, उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, किसी भी जू में नहीं रखना चाहिए। और कुछ हद तक अगर गलत माने इस तरह जानवरों को पालना रखना, तो देखो मोर को पालते हैं, शेर को पालते हैं, चीता को पालते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते बिल्ली और भी चीज़ें पालते हैं, और ये जो पक्षी था ये तो खुला मैदान में मतलब खुला उसके घर में खुला घूमता रहता था, उसको किसी तरह के पिंजरे में नहीं रखा था। और माना कि राजकीय पक्षी है, उसको मारना पीटना इस तरह का पिंजरे में रखना अच्छा नहीं है, अलाउ नहीं है। फिर भी मैंने जितने हद तक उसके वीडियोज़ में देखा और वो खुद बता रहा है कि वो खुला खुला रहता है, मतलब आज़ादी में रहता है, फिर भी वो जंगल में घूमने के लिए चला जाता है अपने दोस्तों लोगों के साथ मिल के वापस आ जाता है इसके साथ रहने के लिए। तो मुझे कुछ हद तक दुख हो रहा है इस भैया के इस दुख भरा दोस्ती, प्यार भरा दोस्ती और दुख भरा कहानी को लेकर। आपको क्या लग रहा है कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।